हेलो गाइस, नमस्कार, पहला गुड मॉर्निंग आज सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, बुलबुल ब्लॉग एंड योगा पे। और ये देखिए, आज यहाँ कल रात भर बारिश थी और आज यहाँ बर्फ पड़ चुकी है। मैं आपको बर्फ दिखाती हूँ। ये सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है, जो यहाँ सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ देखो पूरा बर्फ से, पूरी बर्फ पड़ गई। बर्फ पड़ गई, कल रात भर बारिश थी और भी बर्फ पड़ गई है। ये है जो सामने दिख रहा है आपको, ये दूधातोली पर्वत है। दूधातोली पर्वत तीन डिस्ट्रिक्ट का मिलन बिंदु है, चमोली और पौड़ी और अल्मोड़ा का। तो ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जो उनकी समाधि स्थल भी है कोदियाबगड़, और इसीलिए ये दूधातोली पर्वत फेमस है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ बीच में, आज हम गैरसैंण मार्केट के बीच में खड़े हैं, तो यहाँ से चारों ओर बिल्कुल बर्फ दिख रही है। देखो इधर भी और इधर ऊपर धार में बर्फ पड़ी है, और ये वाले धार में भी बर्फ पड़ी है। वो जो सामने ये धार दिख रहा है, ये है नंदा खूंट। जब यहाँ नंदा देवी का मेला लगता है ना इधर, तो उस टाइम वहाँ पे पूजा करते हैं। इसके बाद ऊपर ये वाला जो धार है, यहाँ पूरा, यहाँ से ज़्यादा व्यू नहीं दिख रहा है, तो ऊपर वाला जो ये धार है, यहाँ भी पूरी बर्फ पड़ी हुई है। तो आज हम गाड़ी दिखाते हैं, इसमें क्या क्या पैक हो रखा है। खोलो सामान बहुत महंगा मिलता है। हाँ, फिर यहाँ अगर आलू लोगे ना, हल्द्वानी में कितने रुपए किलो था? हल्द्वानी में 50 रुपए की धरी पड़ी। हाँ, 50 रुपए की 5 किलो, और यहाँ 40 रुपए का एक ही किलो मिलता है। तो हम पूरी सब्जी पैक करा के ला रहे। खोलो, यहाँ पूरा सामान जो आता है हल्द्वानी और रामनगर से ही आता है, तो वहाँ जो रेट मिलेगा उससे यहाँ 150 रुपए ज्यादा ही। ये देखो पूरा गाड़ी से सामान पैक हो रखा है, ये हरी सब्जी, ये देखो, और यहाँ आगे आगे वाली सीट भी पूरी फुल हो रही है। ये भी पूरी फुल हो रही है, केवल दो ही सीट की जगह थी, दो सीट बचाई थी हमने, और पूरी सीट फुल, एकदम टाइट है सीट। अभी आपको दिखाते हैं, अब यहाँ से देखें, ये देखो, ये जैकेट है, पापा की जैकेट लेके आया हूँ, और ये बुक्स, ये मेरी सारी किताबें, और ये टोकरी, ये टोकरी लेके आए हम बास्केट, और ये मेरी कोट है। ये तो यहाँ पे इस साइड पर किताबी हैं, बर्तन वाला स्टैंड, रजाई, ये वाली जो रजाई है ना, यहाँ ये 1800 रुपए की, ये 1800 की बोल रहे थे इस वाली रजाई, और इसको वहाँ से हम लाए 1200 की। ये लड्डू ना मम्मी ने बनाए हैं, मम्मी ने इसमें तिल, अलसी और बेसन वगैरह, और वाइट तिल भी मिक्स किए हैं, ब्लैक तिल भी मिक्स किए हैं, अलसी भी है इसमें, और एक और इसलिए मम्मी ने बनाए, घी में बना रखे हैं, मस्त लग रहा है। मैंने इतनी सारी मलाई इकट्ठे करी थी, और अब इसकी बनानी है घी, तो अब मैं घी बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने अभी मम्मी को फ़ोन किया था, तो मम्मी ने बताया ऐसा ऐसा करना, तो मैं आपको भी दिखाती रहूँगी कैसे बना रही हूँ मैं घी करके, देखते हैं कितना घी निकलता है इसका। ठीक है, मैंने ना एक इस कटोरी में इकट्ठा किया था और एक इस कटोरी में इकट्ठा किया था, देखते हैं भी कितना घी निकलता है इसका। ठीक है, ये है मलाई, और इसको मैं आटे की तरह गूंद रही ना, क्योंकि अभी ऐसे से करने में बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, क्योंकि ठंडे से बहुत ज़्यादा जम रखा है, तो मैं इसको आटे की तरह गूंद रही, थोड़ा मुलायम करती हूँ ऐसे करके। ये देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, इसको ऐसे करके मिलना पड़ेगा, तभी जाके सॉफ्ट होगा, तभी इसमें से घी निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। मेरी मलाई तैयार हो गई है, और अभी मैंने मम्मी को फिर से फ़ोन किया, मम्मी ने बोला था दूध निकलेगा, लेकिन मम्मी के इसमें तो दूध निकलता था, मेरे इसमें तो दूध ही नहीं निकला, तो मम्मी ने बोला पानी डाल दे, ये तैयार हो गया करके। अब मैं पानी डाल रही हूँ, देखती हूँ अभी बनता ही नहीं बनता है घी मेरे से, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, इसलिए भी पता नहीं चला, अभी देखती हूँ। किचन जो देख सकते हैं काफ़ी गंदा दिख रहा है अभी, ये देखिए, और ये अभी मैं सामान यहाँ पर ठीक कर रही हूँ, अभी थोड़ा इतना इस कोने में कर दिया है, तो सामान लगा के दिखाऊं। ये देखो अभी पूरा सामान फैल रखा है, आलू मेरे यहाँ ऐसे पड़े हैं, और ये अभी हमारा सामान सब ऐसे पड़ा है, अभी ठीक कर रहे हैं। मेरा घी जो अब पिघलने लग गया है, और घी निकलने लग गया इसमें से, इसको ना नीचे से हिलाते रहूंगी, तो ये जल जाएगा, तला लग जाएगा इसमें। मेरा घी, ये देखिए मेरा घी पकने लग गया है, वाओ कितना पीला निकल रहा ना, ये देखो
ये फाइनली मेरा घी निकल चुका है, ये देखिए इतना निकला है। अभी आप यहाँ पर का मौसम देख सकते हैं, एकदम काले बादल लगे हुए हैं और अभी का टाइम है 5 बज चुका है और देखिए भी पूरा मौसम ख़राब हो गया है। और यहाँ पर ना ऊपर साइड को पहाड़ों में ना बर्फ़ पड़ गया और फिर से बारिश शुरू हो गई है, देखो बारिश आने लग गई है, फिर से बारिश शुरू हो गई है और अब लग रहा है कि बर्फ़ पड़ जाएगी और ज़्यादा। ये देखिए यहाँ को गोकुल जी ने, यहाँ पर गोकुल जी ने पूरा सामान सेट कर दिया है और यहाँ पर सिलेंडर है और ये सब्जी वगैरह इस टाइप से लगा दिए हैं और ये भी बर्तन धो के यहाँ पर रखे हुए हैं और ये सब्जी है ऊपर। यहाँ पर गोकुल जी ने दाल वगैरह रखी है और नीचे यहाँ पर ये आटा वगैरह रखा है और यहाँ पर बर्तन का स्टैंड रखा है क्योंकि अभी हमको ड्रिल वाला नहीं मिल रहा ना, तो इकट्ठा बुलाएंगे, भी बहुत सारी चीज़ें ड्रिल करवानी है। और ये मैं फुहाई लेके आई थी गाँव से पानी पीने के लिए, गर्मी भी पियेंगे। और ये टोकरी दोनों, एक में कपड़े धोने वाला, एक में बर्तन रखने वाला है। और इस टाइप से किचन अभी सेट कर दिया, बड़ी मुश्किल से किया, टाइम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, सामान कहाँ से रखें कहाँ से रखें, क्योंकि सामान इतना हो गया अब, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए गुड नाइट बाय। अब हम भी खाना खाते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग पर।